Hello children, welcome to your EVS video class. You know that we are revising the chapters of your EVS textbook, and since past 2-3 videos I am revising chapter 9 for you, and the name of the chapter is Days to Celebrate. Children, this chapter basically deals with festivals, but as I have told you, the name of the chapter is Days to Celebrate. So we have to discuss the days that we celebrate. There are certain personal days that we celebrate, certain community days that we celebrate, and certain national days that we celebrate. Children, we celebrate days and date. In fact, dates are different from days because certain festival falls on fixed date, and there are many festivals that do not fall on the fixed date. They are related to moon calendars and not sun calendar. वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, इसलिए वो हर साल जो है हमारा सेम डेट पे फॉल नहीं करते हैं. वो डेज के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, जो जनवरी से दिसंबर तक होता है. पर जनरली जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होते हैं और वो मून के हिसाब से होते हैं, तो हम उसको डेज के हिसाब से मैक्सिमम फेस्टिवल्स अपने हम सेलिब्रेट करते हैं. जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो, या जो कम्युनिटी वाले जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी हम डेज के हिसाब से ही सेलिब्रेट करते हैं. कुछ कुछ फेस्टिवल्स हैं जो डेट के अकॉर्डिंग होते हैं इंडिया में, और जनरली मैक्सिमम जो होते हैं वो डेज के हिसाब से होते हैं. मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पर्सनल डेज होते हैं, जैसे हमारे बर्थडेज हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के बर्थडेज हैं, कोई वेडिंग का डे है, एनिवर्सरी है, ये सब हमारे पर्सनल डेज होते हैं सेलिब्रेशन के. और ये हम पूरी कम्युनिटी के साथ नहीं सेलिब्रेट करते, हम फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. कुछ फेस्टिवल्स कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही उसको सेलिब्रेट करते हैं. ऐसे भी कुछ फेस्टिवल्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही सेलिब्रेट करते हैं. आपने सुना होगा सिंधी समाज, आर्य समाज, इस तरह से कुछ फेस्टिवल्स होते हैं. कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो स्टेट सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में ही सेलिब्रेट होता है और ऑल ओवर इंडिया नहीं सेलिब्रेट होता है. और कुछ फेस्टिवल होते हैं जिसे पूरा देश सेलिब्रेट करता है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल द स्टेट्स सेलिब्रेट, इवन द इंडियन स्टेइंग इन सम अदर कंट्री दे ऑल्सो सेलिब्रेट. जो इंडियन हमारे देश में नहीं रह रहे हैं, इंडियंस हैं बट दे आर स्टेइंग इन सम अदर कंट्री, दे ऑल्सो सेलिब्रेट. तो ये हमारे या तो वो रिलीजन से रिलेटेड होंगे या किसी कम्युनिटी से रिलेटेड होंगे. उसके अलावा हमारे नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं. तो मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना शुरू किया था, जो रिवाइज करवाया था, उसमें मैंने कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स के साथ शुरुआत किया था. बट एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सारे रिलीजन को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं. और इसलिए भी शायद हमारा कंट्री को रिलीजियस कंट्री नहीं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं चलता है, इसलिए हम फ्री हैं किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए. जो भी फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करने का मन करेगा हम बिल्कुल सेलिब्रेट कर सकते हैं उसको, अगर भले वो किसी रिलीजन से कनेक्टेड क्यों ना हो, उसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी क्रिसमस जो आ रहा है, बेसिकली ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं. लेकिन अगर हम आप जो हम क्रिश्चियन, अगर हम नहीं भी हैं, मैं नहीं क्रिश्चियन हूँ, अगर आप में से कोई क्रिश्चियन नहीं भी है, तो भी वो इस फेस्टिवल को मना सकता है. सेम अप्लाइज फॉर दिवाली, होली, दशहरा एक्सेट्रा. अगर कोई उस पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है जिस रिलीजन के ये फेस्टिवल्स हैं, तो भी इस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स. चलिए तो अब हम बात करेंगे, हमने कौन कौन से फेस्टिवल की बात कर ली है, पहले उसको देख लेते हैं. हमने क्रिसमस की बात कर ली है. आप सोच रहे होंगे कि क्रिसमस तो मंथ के सबसे लास्ट में आता है, लेकिन फिर भी हमने, सॉरी, ईयर के सबसे एंड में आता है, फिर भी हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया.
जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ये फेस्टिवल आने वाला है इसलिए मैंने इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया और हम थोड़ा सा बैकवर्ड फॉर्म में जाने लगे जो जो हम अभी मना के हटे हैं। इसीलिए तो हमने देव दीपावली डिस्कस किया था। फिर दिवाली डिस्कस किया, दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, दशहरा। फिर हमने डिस्कस किया होली। ये होली पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ होली का फेस्टिवल डिस्कस किया था कि किस तरह से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरीज हैं, ये सारा मैंने आपके साथ एक बार स्टोरीज की फिर से शेयर की थी। आपको दशहरा के बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है दशहरा को। तो ये हमारे कुछ बेसिक फेस्टिवल थे। अभी मैं क्योंकि हमने रिसेंटली जो फेस्टिवल मनाया होली तो अभी आने वाली है, लेकिन ये फेस्टिवल अभी ये भी आने वाली है और ये भी अभी काफी टाइम है इसको आने में, होली को आने में भी टाइम है। क्रिसमस बस आने ही वाला है, तो मे इज 9th और 25th को मनाएंगे क्रिसमस। पर दीपावली हमने रिसेंटली मनाई थी, दिवाली हमने रिसेंटली मनाई थी, दशहरा हमने रिसेंटली मनाया था। एक और फेस्टिवल है जो कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश एंड बिहार के स्टेट में मनाया जाता है और अभी रिसेंटली आप लोगों ने मनाया है, आपके घरों में कई लोगों ने इसको मनाया होगा। ये एक फास्ट है बट इट इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल एंड दैट इज छठ पूजा। I took this festival, though it is not given in your book, but since we are discussing festivals, इस चैप्टर में हम फेस्टिवल्स ही डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों ना हम उस फेस्टिवल को डिस्कस करें जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे बिहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है एंड दैट इज छठ पूजा। मैं मतलब मुझे पूरा विश्वास है, वेरी मच श्योर कि आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में ये फेस्टिवल बहुत ही फीलिंग और डिवोशन के साथ मनाया जाता है छठ पूजा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इवन इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिवाली और दशहरा। यूपी और बिहार में इसे बहुत ही डिवोशन के साथ, आई एम यूजिंग द वर्ड डिवोशन क्योंकि ये जिस गॉड से रिलेटेड है उसमें डिवोशन वर्ड यूज हो रहा है। इट इज रिलेटेड टू सन गॉड, सूर्य भगवान। अब आप सोच रहे होगे कि हम सूर्य भगवान बोल रहे हैं, सन गॉड बोल रहे हैं। वी नो दैट कि सोलर सिस्टम में सन है और सन के आजू बाजू 8 प्लैनेट्स जो हैं वो उसको चक्कर का लगाते हैं। द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, सन इज अ स्टार, ये हमने पढ़ा हुआ है साइंस में कि सन इज अ स्टार, इट्स अ हॉट ग्लोइंग स्टार। लेकिन अब यहाँ हम बोल रहे हैं सन गॉड, तो अगर लॉजिकली भी हम बात करें तो सन इज लाइक अ गॉड। गॉड कौन होता है? जो हमारी केयर करता है, जो हमें लाइफ देते हैं, दैट इज गॉड, है ना। भगवान कौन, गॉड कौन? जो हमारी केयर करे, जो हमारी हमें लाइफ दे, जो हमारे हमें हेल्दी रखे, दैट इज गॉड। तो अगर हम ऐसे सोचें तो सन इज रियली अ गॉड। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, है ना। अगर सनलाइट नहीं होगा तो आपको लगता है कि प्लांट्स जिंदा रह सकते हैं? कैन प्लांट्स सर्वाइव विदाउट सनलाइट? नो, कोई भी प्लांट बिना सनलाइट के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत रेयरली कोई ऐसा प्लांट होगा जो कि जो क्लोरोफिल जिसको जरूरत नहीं पड़ती है या कुछ ऐसा जो बिना सनलाइट के सर्वाइव करेगा। प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सन की लाइट चाहिए। दूसरा, अगर प्लांट होंगे नहीं, अगर सनलाइट नहीं तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो नॉनवेज खा लेंगे, लेकिन नॉनवेज जो खाएंगे वो नॉनवेज खाने वाले एनिमल्स तो प्लांट खाते हैं ना, वो प्लांट कहाँ से आएगा? तो लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर सन नहीं निकले तो हमारा जो अर्थ है वो एकदम फ्रोजन बॉल हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि हम जिंदा रह ही नहीं सकते, इतना ठंडा हो जाएगा। तो बिना सन के अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं जहां की सनलाइट नहीं पहुंचती है वहां पे लाइफ नहीं है,
जिन प्लैनेट्स के पास सन की लाइट नहीं पहुंचती है वहां लाइफ ही नहीं है। हमारा अर्थ एक इतना ब्लेस्ड प्लैनेट है जहां पे बिल्कुल मॉडरेट हमें सनलाइट मिलती है, एयर मिलता है, वाटर मिलता है। तो बारिश होने के लिए भी सन का होना जरूरी है, सनलाइट से ही वाटर वेपर बनता है और उससे बारिश होती है। तो बारिश लाने में भी सन चाहिए, प्लांट के लिए भी सन चाहिए और हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी सन चाहिए। तो सन इनफैक्ट हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अगर जिंदा है तो सन की वजह से जिंदा है। तो सन इज लाइक अ गॉड, हम एक ऐसे गॉड है जिसको कि हम सब लोग देख सकते हैं। वी आर एबल टू सी अ गॉड। ऐसे आप किसी भी भगवान को देख पाते हो? नहीं। आप या तो फोटो या तो कैलेंडर या तो मन में आप अपने गॉड को याद करते हो, है ना, या तो मंदिर में मूर्ति देखते हो या घर में कैलेंडर्स या फोटोज देखते हो या फिर हम अपने मन में अपने भगवान को याद करते हैं। लेकिन सन एक ऐसे गॉड है जो हमें साक्षात दिखते हैं, लाइव हमें रोज नजर आते हैं अगर हम इन्हें गॉड की तरह देखें तो। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि क्यों ये गॉड की तरह है। तो ये एक ऐसे भगवान है जिसे हम देख पाते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पूजा जो की जाती है इसमें सन गॉड को प्रेयर किया जाता है, सन गॉड की पूजा की जाती है। अब एक और इसमें बात है कि इसमें क्या है, जब सन राइज होता है उसकी भी पूजा होती है और जब सन सेट होता है तब भी उसकी पूजा की जाती है। जो फर्स्ट डे की जो पूजा होती है वो सेटिंग सन की होती है, जब हमें सन ढलता हुआ दिखता है, डूबता हुआ दिखता है। सेटिंग सन मतलब सन जब सेट हो रहा है, ढल रहा है, तब हमें, तब इस जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं जिसने भी फास्टिंग किया हुआ है इस फेस्टिवल में होता है, फास्ट करना होता है, भूखे रहना होता है, पानी भी नहीं पीते हैं, तो जो सन सेट हो रहा है उनको उनकी प्रेयर की जाती है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जब सन राइज होता है तब उनको उनकी पूजा की जाती है। राइजिंग सन एंड सेटिंग सन दोनों सन की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जो सनलाइट बॉडी पे आती है दैट हैज अगेन अ साइंटिफिक रीजन जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। उस समय जो पानी में खड़े होकर और पानी का ही जल का ही से ही भगवान जो गॉड सन है उनको प्रेयर करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो लाइट्स जाती हैं वो हमें हील करती हैं, बीमारियों से हमें ठीक करती हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, ऑफ कोर्स रिलीजन तो है ही है कि हिंदू रिलीजन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, रिलीजियस इसमें सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, बट साइंटिफिकली ऑल्सो इट हैज वैल्यू, छठ पूजा का वैल्यू है। जिन घरों में छठ पूजा मनाया जाता है वहां बड़ी रौनक रहती है और अगेन क्लिनलीनेस जो है वो इस फेस्टिवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, साफ सफाई। जैसे मैंने आपको बताया था दिवाली का कि दिवाली के समय हम अपने घरों को पूरा साफ सुथरा करते हैं, ये मानते हैं कि गॉड गॉडेस हमारे घर आएंगे। तो भले आप डेली घरों में झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, स्वीपिंग मॉपिंग होती है, सबके घरों में होती है, लेकिन दिवाली पर स्पेशल सफाई होती है। कोने कोने को हम साफ कर देते हैं, जितना कूड़ा कबाड़ा होता है सब फेंक देते हैं घर से बाहर, जब घर को चमका देते हैं। वैसे ही छठ पूजा में भी क्लिनलीनेस का बहुत स्पेशल ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल बहुत साफ सफाई चाहिए, जर्म फ्री जिसको कहते हैं ना, सैनिटाइज करना घर को एक तरह से, वैसा हो जाता है घर का माहौल बिल्कुल सैनिटाइज रहता है। तो अगेन क्लिनलीनेस से रिलेटेड है ये फेस्टिवल, हेल्थ से रिलेटेड है फेस्टिवल और डिवोशन तो है ही, रिलीजन तो है ही। हिंदू लोग इसको बेसिकली हिंदू लोग इसको मनाते हैं, लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ इसे किसी भी रिलीजन के लोग, क्योंकि सन तो सबको लाइट देता है ना, वो रिलीजन देख के लाइट देते हैं क्या सन, कि वो मैं हिंदू को लाइट दूंगा और मुस्लिम को नहीं दूंगा या क्रिश्चियन को नहीं दूंगा। सन गिव्स लाइट टू एवरीबडी, सो एवरीबडी कैन प्रे टू गॉड सन। हम सन गॉड को हर कोई प्रेयर कर सकता है। ठीक है, तो हमने बात किया छठ पूजा के बारे में, अब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, देख रहे हैं कुछ फेस्टिवल्स को, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बात करेंगे, आपने ये नाम जरूर सुना होगा,
जन्माष्टमी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जन्माष्टमी के बारे में आप सबको जरूर जरूर पता है। थोड़ा स्पेलिंग में चेक करे था, थॉट कि मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया है, इट्स ओके। जन्माष्टमी ये फेस्टिवल भी अगेन रिलीजन से ही रिलेटेड है, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हिंदूज और ये है लॉर्ड कृष्ण का बर्थडे। लॉर्ड कृष्ण का बर्थडे मनाया जाता है, भगवान कृष्ण का बर्थडे इस दिन मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। अब ये इसका सेलिब्रेशन भी कोई फिक्स्ड डेट पे नहीं होता है, अगेन ये हर साल डेट चेंज होता है एज पर द हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसको जन्म अष्टमी कहा जाता है। अब कौन से हिंदू मंथ का जो अष्टमी तिथि होता है मुझे वो मंथ नहीं पता चल रहा है, वो तो अष्टमी तिथि अष्टमी है इसलिए इसको जन्म अष्टमी बोला जाता है, और कंबाइंड कर देंगे तो जन्माष्टमी हो जाता है। इस दिन जो लोग हैं वो झांकियां सजाते हैं, कृष्ण के जो लाइफ से रिलेटेड झांकी होती है ये सब अपने घरों में भी कृष्ण की झांकी सजाते हैं, और घर के लोग जो है वो इस दिन फास्टिंग भी करते हैं। नॉट एवरीबडी बट कुछ लोग इस दिन फास्टिंग भी करते हैं। ये फास्टिंग के रीज़न ये है कि लोग ऐसा फीलिंग है कि वेट करते हैं कि उनके भगवान का जन्म होने वाला है जो उन्हें सभी तरह के सिंस से फ्री करेंगे, पाप से हमें मुक्ति दिलाएंगे, या हमारी प्रॉब्लम्स को हमारी मुसीबतों को दूर करने के लिए भगवान आ रहे हैं, तो उनका वेट करने के लिए वो लोग फास्ट करके उनका वेट करते हैं। इट्स अ वे ऑफ शोइंग डिवोशन, अपना डिवोशन शो करने का ये एक तरीका है फास्ट करना। और फिर घरों में झांकियां सजाई जाती हैं, अगर टेंपल्स हैं कृष्ण से रिलेटेड, लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड जो टेंपल्स होते हैं उसको बहुत ही खूबसूरत सजाया जाता है, स्पेशली जो मथुरा और वृंदावन में। मथुरा इज अ प्लेस, वृंदावन इज अ प्लेस। मथुरा वृंदावन में जो कृष्ण के जो टेम्पल्स हैं वहाँ स्पेशल डेकोरेशन किया जाता है इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि ये उनका ही प्लेस है ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने मथुरा में जन्म लिया था, तो और ये सब उनका वर्क प्लेस है, जन्म बर्थ प्लेस है, इसलिए भी यहाँ जो टेम्पल्स हैं उसको विशेष तौर पर स्पेशल ढंग से इसको सजाया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही दो टेम्पल सजते हैं, ऑल ओवर इंडिया भगवान कृष्ण से संबंधित जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसको डेकोरेट किया जाता है। फिर एक हरे राम हरे कृष्ण संस्था है इस्कॉन, वहाँ भी इसे बहुत ही ग्रैंड फॉर्म में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस्कॉन में, इस्कॉन में भगवान कृष्ण को उनको उनके जो मेन जो लॉर्ड है वो माना जाता है, तो ऑल द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण दे वर्शिप हिम ऑन दिस डे एंड दे कीप फास्ट, इस दिन वो व्रत रखते हैं। और पूरे जो झांकियां घरों में लोग झांकियां सजाते हैं, और 12 AM रात के 12 midnight जिसको बोलते हैं, रात के 12 बजे ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था एट 12 midnight। तो इसीलिए घर जो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं वो 12 midnight को जैसे किसी बच्चे का बर्थ होता है जिस तरह का एक माहौल होता है, जैसा एक एटमॉस्फेयर होता है वैसा ही क्रिएट होता है, और मिडनाइट में फिर सब ऐसा फील करते हैं, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हो गया है। और फिर मंदिरों में पूजा शुरू होती है, भजन कीर्तन शुरू होते हैं, प्रसाद बांटा जाता है और बड़े धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जैसे मैंने बोला कि उनका जो बर्थ प्लेस था भगवान कृष्ण का वो मथुरा था, और वहाँ खेलने के लिए वो वृंदावन जाते थे, तो गोकुल और वृंदावन उनका प्ले जहाँ पे वो करते थे, तरह तरह की लीलाएं उन्होंने वहाँ की है, तो वहाँ पर इसका
विशेष महत्व है इस फेस्टिवल का, जन्माष्टमी का। तो ये बेसिकली बर्थडे है भगवान कृष्ण का, ठीक है। अब हम दूसरे फेस्टिवल की बात करेंगे, एक और फेस्टिवल की हम बात करेंगे और वो है पोंगल। ये क्योंकि हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो जरूर आपने इस फेस्टिवल का नाम मेरे मुझसे ही सुना होगा, या आपने बुक में पढ़ा होगा, या टीवी में किसी मूवी में देखा होगा, साउथ की मूवी में, या किसी कहीं ना कहीं स्टोरी में भी आपने ये वर्ड सुना होगा पोंगल। पोंगल जो है ये साउथ का फेस्टिवल माना जाता है, ठीक है। ये साउथ इंडिया में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल, तो इसके बारे में मैं आपको अब बताने जाऊंगी, ठीक है। पोंगल जो है ना एक्चुअली में, जैसे हम अपने नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति मनाते हैं ना, हम लोग मकर संक्रांति जिसे कि आपके यूपी में उसे खिचड़ी भी कहा जाता है, कहीं कहीं संक्रांति कहा जाता है, कहीं कहीं मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं कहीं उसे उत्तरायण कहा जाता है। अभी हम सारा इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वैसे पोंगल साउथ का मकर संक्रांति है, आप इसको इस तरह से समझिए कि इसको साउथ का मकर संक्रांति कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, पोंगल से जो पहले जो अमावस्या आती है, न्यू मून डे आता है, तो उस दिन जो ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है बेसिकली, मैं ये बताना, ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। तो पोंगल से पहले जो न्यू मून डे आता है, तो तमिल लोग ना उस दिन ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि अपनी सारी बुराइयों को वो छोड़ देंगे, ऐसा उसके एक दिन पहले, मतलब फर्स्ट पोंगल से पहले वाले अमावस्या के दिन ये प्रॉमिस करते हैं सब। और उसके बाद जब ये पोंगल जो होना है, एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, दिवाली होती है और मकर संक्रांत होता है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से समझ लीजिए, गोवर्धन पूजा, दिवाली और मकर संक्रांत, इन सब का वो एक मिक्सचर है ये फेस्टिवल। और ये 4 डेज तक सेलिब्रेट होता है, 4 डेज का सेलिब्रेशन होता है। मकर ये पोंगल जो है ये 4 डेज का सेलिब्रेशन है। जो फर्स्ट डे होता है उसको भोगी पोंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोगी, BHOGI PONGAL। अच्छा, पोंगल का मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, पोंगल का मतलब क्या होता है? पोंगल का मतलब होता है कोई चीज उबल के जब गिरती है ना, दैट इज कॉल्ड पोंगल, मतलब भर के और गिरने लगना। जैसे कभी कभी दूध आप बॉयल करते हो तो दूध बॉयल होकर गिरने लगता है, चावल आपने चढ़ाया है पकने के लिए और चावल उबल के गिरने लगता है, दैट इज कॉल्ड पोंगल। पोंगल मतलब कोई चीज भर के फिर वो गिरने लगना। इट इज सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब हमारे पास कोई चीज इतनी ज्यादा हुए कि रखने की जगह ही नहीं है, वो भर भर के गिर रहा है, ठीक है। तो ये पोंगल का एक्चुअली मतलब होता है उफान, जो उबलता है ना, उफान आना, कोई चीज बॉयल होकर फिर गिरने लगी, मतलब इतना ज्यादा भर गया कि वो गिर रहा है, मतलब हम इतने रिच हो गए, इतने प्रॉस्पर हो गए कि हमारे पास रखने की अब जगह ही नहीं है, दैट इज पोंगल, प्रॉस्पेरिटी का ये साइन है। तो पोंगल जो है फर्स्ट डे जो होता है उसको हम बोलते हैं भोगी पोंगल। दूसरा दिन होता है सन का, ठीक है, उस दिन सन की पूजा होती है, जैसे मैंने अभी छठ पूजा बताया था, छठ पूजा की तरह नहीं होता लेकिन सन का डे होता है, उस सन की पूजा होती है। फिर तीसरा दिन जो होता है उसको बोलते हैं मट्टू पोंगल। क्या बोलते हैं? मट्टू। थर्ड डे जो होता है वो होता है मट्टू पोंगल, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ डे, 4 दिन का फेस्टिवल है ना, तो जो फोर्थ डे होता है वो मेन पोंगल का डे होता है। उस दिन ना बैल की पूजा होती है शायद। मट्टू मतलब होता है, आजकल तो कुछ 4 दिन मना नहीं पाता तो सब एक ही दिन मना लेते हैं, मट्टू होता है एक्चुअली में बैल, नंदी जिसको बोलते हैं ना, नंदी ऑक्स की पूजा की जाती है। मट्टू पोंगल जो है मतलब उसमें बैल का महत्व है, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए
बैल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो ट्रैक्टर से खेती की जाती है, तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, क्रशर, पता नहीं क्या क्या मशीन्स यूज करते हैं, लेकिन पहले जमाने में फार्मर्स लोग जब खेती करते थे, फार्मिंग करते थे, तो बैलों से करते थे, है ना, बुलक्स यूज करते थे। तो उसी का सिंबल है उस, क्योंकि किसान का सबसे बड़ा सपोर्टर उसका बैल होता है, तो मट्टू पोंगल के दिन बैल की पूजा करने का फैशन है, रिवाज, सॉरी नॉट फैशन, रिवाज है एक, कि बैल क्योंकि किसान का सबसे बड़ा साथी है, तो इसीलिए मट्टू पोंगल मतलब नंदी, बैल की पूजा। उसके बाद फाइनली जो है चौथे दिन जो होती है वो कन्या पूजा होती है, फोर्थ डे, ठीक है, कन्या पूजा। तो इस तरह से फोर डेज का आपका ये टोटल फेस्टिवल हो जाता है, भोगी पोंगल, सन का पूजा, देन मट्टू पोंगल एंड देन कन्या पूजा। लेकिन टोटल में ये पोंगल ही कहलाता है। और इस दिन गन्ने, जो गन्ना होता है ना, गन्ना और फिर बैल को रखते हैं, पूरा रंगोली सजाते हैं, जिसे कि तमिलनाडु के लोग कोलन कोलन बोलते हैं, जिसको जो हम रंगोली जिसको बोलते हैं उसको लोग कोलन बोलते हैं। तो वो चावल के आटे से उसको सजाया जाता है, फिर एक मिट्टी के पॉट होता है उसमें मीठा चावल पकाया जाता है, गुड़ डालकर शायद, और उस चावल को ही पोंगल राइस बोलते हैं, वही मेन उसका डिश होता है, पोंगल राइस बोला जाता है। तो ये पोंगल राइस बनाया जाता है उस मिट्टी के बर्तन में, जिसको बाद में सब प्रसाद की तरह खाते हैं। ये बेसिकली जो है ना राइस की फार्मिंग, क्रॉप के, राइस की हार्वेस्टिंग के बाद मनाया जाता है। अभी हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग मतलब पौधों को काटना, जब वो पक जाता है, जब राइस का पौधा पूरा लग जाता है, उसमें धान लग जाते हैं, पैडी लग जाता है, और किसान देखता है कि उसका खेत पूरा अच्छे से प्रॉपरली उसका राइस लग गया है, पक गया है, अब फसल को काटने का टाइम है। तो जब राइस को काट लिया जाता है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और बहुत अच्छा फसल होता है, तो किसान लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए इसको मनाया जाता है, किसान लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये मतलब एक तरह से खुशी को प्रकट करने वाला फेस्टिवल है। मतलब हम आपकी बुक में तो बहुत डिटेल में इसको नहीं लिखा हुआ है, सन गॉड का खाली लिखा हुआ है इसमें, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ था। तो सन गॉड तो डेफिनेटली पूजा की ही जाती है, लेकिन ये एक्चुअली में ये धान की जो फसल होती है, धान क्रॉप जो राइस जिसको बोलते हैं या पैडी जिसको बोलते हैं, वो फसल का हार्वेस्ट करने की खुशी में पहले सिर्फ किसान लोग मनाते थे, लेकिन अब सभी तमिल लोग इसको मनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि हे सन गॉड, आगे भी हमारी ऐसी ही अच्छी क्रॉप हमें देना, ताकि हम हमेशा प्रॉस्पर रहे, हमें कभी कभी भूखे ना सोना पड़े, ठीक है। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रेयर होती है ना, तो सन की पूजा हो गई, इंद्रदेव की पूजा हो गई, क्योंकि क्रॉप के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट के लिए सन गॉड की पूजा, इंद्रदेव की पूजा मतलब क्योंकि इंद्रदेव बारिश देंगे, पानी देंगे, क्रॉप को पानी चाहिए, तो इंद्रदेव की पूजा होती है। और एनिमल की तो पूजा करेंगे ही, क्योंकि एनिमल जो है वह हेल्प करता है फार्मिंग करने में। और इस तरह से ये पूरा फेस्टिवल, जैसे हम लोग गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा करते हैं ना, वैसे ही तो यहाँ पर बैल की पूजा होती है, क्योंकि वो किसान, बैल जो है वो किसान का साथी होता है। तो स्वर्ण की पूजा, इंद्रदेव की पूजा और एनिमल की पूजा होती है, और चावल बनाया जाता है क्योंकि चावल की हार्वेस्टिंग की होती है इसलिए। तो ये दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में नया साल, न्यू ईयर के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ये साउथ का न्यू ईयर समझ लो इसको, पोंगल इज द न्यू ईयर ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली ऑफ तमिलियंस, जो तमिल लोग हैं उनका ये एक नया साल माना जाता है पोंगल, ठीक है। और जैसे कि हम लोग मकर संक्रांति को बोलते हैं ना, हमारे शुभ काम मकर संक्रांति के बाद शुरू होते हैं। तो इसका बेसिक रीजन ये है ना, आप जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से होता है, मतलब जो सन है ना वो अपना साइकिल चेंज होता है, दक्षिण से सूर्य की उत्तर की तरफ आते हैं, नॉर्थ की तरफ आते हैं, तो इसको उत्तरायण भी कहा जाता है। हम उत्तरायण के बारे में बात करेंगे, हम मकर संक्रांति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों फेस्टिवल, उत्तरायण और मकर संक्रांति, पोंगल से ही रिलेटेड है। साउथ में पोंगल है, नॉर्थ में मकर संक्रांति और वेस्ट में उत्तरायण है।
तो ये तीनों फेस्टिवल एक्चुअली एक ही जैसे हैं, बट अलग अलग नाम से बुलाया जाता है और अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। डेट एक ही है, जनवरी में 14th या 15th जनवरी को ये मनाया जाता है। 14th या 15th जनवरी, 14th और 15th। जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है पोंगल, और उसी टाइम पे हमारे यहाँ मकर संक्रांत बनती है और वेस्ट में उत्तरायण बनता है। तो ये तीनों ही ऑलमोस्ट सेम फेस्टिवल है, बस मनाने का ढंग अलग है। आज मैंने आपको पोंगल के बारे में बताया, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति और उत्तरायण किस तरह से ये मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही ओवर करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको रिवाइज करने पे बहुत सारी बातें, नई बातें भी पता चली होंगी जो आप भूल गए होंगे। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।